तो हेलो दोस्तों दोस्तों टीवीएफ की तरफ से इंडिया का मोस्ट अवेटेड शो गुल्लक का सीजन 4 आ गया है सोनी लिव पर, जिसमें पहले वाली सेम स्टार कास्ट देखने को मिलेगी आपको। तो फाइनली मैंने इसके सारे एपिसोड को देखकर खत्म कर लिया है। तो कैसी है ये सीरीज, आइए थोड़ी बात करते हैं। क्या ये सीरीज आपको एंटरटेन करती है? हाँ। क्या ये सीरीज बिंज वॉच है? हाँ। और क्या इस सीरीज के लिए अपना कीमती टाइम देना वर्थ है? हाँ भाई हाँ। तो बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं। वेल हेलो, मेरा नाम है अशोक कुकर और आप देख रहे हैं कुकर रिव्यू पॉइंट। बात करें इस सीरीज की स्टोरी लाइन की, दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं कि अगर आपने इसके पहले 3 सीजन देख रखे हैं तो आप इसकी कहानी और इसके कैरेक्टर के साथ अच्छे से इन्वेस्ट हो जाओगे। लेकिन अगर आपने इसके सीजन नहीं देख रखे हैं मेरी तरह, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, यह सीरीज आपको आराम से समझ में आ जाएगी। एनीवेज इस सीरीज में कहानी है ही नहीं भाई साहब, इसमें तो किस्से देखने को मिलेंगे आपको, हर एक एपिसोड में एक अलग किस्सा है। तो कहानी सीजन 3 से ही कंटिन्यू होती है, जहां पर मिश्रा परिवार है और उसकी नोकझोंक है। बड़ा बेटा बॉस की डांट खाता रहता है, छोटा बेटा खूब मजे ले रहा है और अब तो उसके ऊपर प्यार का बुखार भी चढ़ गया है। और वहीं पर मिश्रा जी अपने पहले वाले अंदाज में नजर आएंगे आपको, अपने बच्चों को संभालते हुए। तो इन सब के बीच में प्यार, इमोशंस और एक मिडिल क्लास फैमिली में किस किस तरह के मोड़ आएंगे, ये तो आपको इसके पूरे एपिसोड देखने के बाद ही पता चलेगा, जिसमें टोटल 5 एपिसोड है जिनकी लेंथ 35 से 45 मिनट वेरी करती है। तो अब अगर एक लाइन में मुझे इस सीरीज का रिव्यू करना हो तो बस मैं यही कहूंगा कि यह एक बेहतरीन मास्टरपीस शो है जिसको आप मिस नहीं कर सकते भाई साहब। परफॉर्मेंस की बात करें तो देखो भाई, इस शो में पहले वाली स्टार कास्ट है तो परफॉर्मेंस के बारे में बात करना ही बेकार है। जमील खान पिता बने हैं, उनका काम एफर्टलेस था। आई मीन भाई साहब, वो पता नहीं कैसे कर लेते हैं यार इतनी अच्छी एक्टिंग। मतलब ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि वो एक्टिंग कर रहे हैं, बल्कि ऐसा लग रहा था कि ये तो उनका बाएं हाथ का खेल है। उन्होंने खाना खाते टाइम या ब्रेकफास्ट करते टाइम ये सब कर दिया है, मतलब बिल्कुल एफर्टलेस एक्टिंग था, एक्सीलेंट परफॉर्मेंस। गीतांजलि ने माँ का रोल प्ले किया है और उनका काम काफी ज्यादा उम्दा देखने को मिलेगा आपको। बड़े भाई वैभव राजगुप्ता और छोटे भाई हर्ष मैयर ने काम काफी अच्छा किया है, या यूं कह लीजिए कि उनका काम काबिले तारीफ है। और दोस्तों इस सीरीज को हमेशा की तरह ही शिवांकित सिंह परिहार ने नरेट किया है और उनका काम काफी ज्यादा अच्छा देखने को मिलेगा आपको, जिन्होंने गुल्लक को प्रेजेंट किया है। तो परफॉर्मेंस वाइज यह सीरीज काफी ज्यादा अच्छी है, जो आपको डिसअपॉइंट नहीं करेगी। बात करें पॉजिटिव की, दोस्तों टीवीएफ वालों की एक खास बात यह है कि वो आज तक जो भी शो लेकर आया है ना, उनमें उस तरीके से इमोशंस, फैमिली ड्रामा और सिंपलिसिटी देखने को मिलेगी आपको कि आप उससे आराम से कनेक्ट हो जाओगे। आई मीन भाई साहब, एक मिडिल क्लास फैमिली में किस किस तरह के फेज आते हैं, इन सारी चीजों को बहुत अच्छे तरीके से दिखाया गया है। जैसे पैसों की तंगी, माँ बाप की डांट, प्यार वाला फेज, लव लेटर और यहाँ तक कि माँ बाप की डांट के कारण घर छोड़ना, और ये सारी चीजें कहीं ना कहीं कभी ना कभी हमारे या फिर हमारे भाई बहनों के जीवन में जरूर घटी है। और यही एक कारण है कि हम इस सीरीज से बहुत अच्छे तरीके से कनेक्ट हो रहे हैं भाई साहब। हमको ऐसा लगता है कि यार ये तो हमारे घर की कहानी है, क्योंकि यार इस शो में मिडिल क्लास फैमिली को प्रेजेंट किया गया है और इंडिया में 60-70% तो मिडिल क्लास फैमिली रहती है, और इन सब की वजह से ही यह शो इतना ज्यादा प्यारा लगता है भाई साहब। सीरीज की सिनेमाटोग्राफी काफी अच्छी है, प्रोडक्शन वैल्यू ठीक ठाक देखने को मिलेंगी आपको, और भाई इस सीरीज का स्क्रीन प्ले काफी अच्छे तरीके से लिखा गया है, जो आपको बिल्कुल भी बोर नहीं करेगा। और दोस्तों इस सीरीज का जो क्लाइमैक्स है ना भाई साहब, उसमें आप 100% रोने वाले हो, ये मेरी गारंटी है। आई मीन भाई साहब, सीरीज का क्लाइमैक्स तो अच्छा ही है और उसके जो इमोशंस है ना, वो काफी ज्यादा अच्छे हैं। बात करें नेगेटिव की, देखो भाई इस सीरीज में मुझे कुछ भी नेगेटिव जहर लगाई नहीं है जिसके बारे में बोल सकूं, क्योंकि यार इतनी बेहतरीन सीरीज के बारे में अगर नेगेटिव पॉइंट बोलूंगा ना, तो यार सीरीज की बेइज्जती है। वो ऑल इन ऑल यह है एक बेहतरीन फैमिली शो है जिसको आप मिस नहीं कर सकते भाई साहब। रही बात पैरेंटल गाइडलाइन की, सीरीज में कोई भी न्यूडिटी या वल्गर सीन देखने को नहीं मिलेगा, तो आप इस सीरीज को अपनी पूरी फैमिली के साथ आराम से एंजॉय कर सकते हो। स्टार कास्ट की दमदार परफॉर्मेंस, एक बेहतरीन कहानी और एक मिडिल क्लास फैमिली के किस्सों को बेहतरीन तरीके से हमारे सामने रखने के लिए मैं दूंगा इस सीरीज को 4.5 out of 5 star। तो दोस्तों ये था मेरा रिव्यू गुल्लक सीजन 4 के ऊपर। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दो यार, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय। दोस्तों इस सीरीज में स्टार कास्ट की परफॉर्मेंस, सीरीज की कहानी, सिनेमा